Sita. I'm Shlok. And I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fun. So, थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था मैंने और श्लोक ने, जिसका नाम था मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है. एंड वो बहुत इमोशनल था, बहुत ज़्यादा. देखा तुम लोग का रिएक्ट, इट वॉज वेरी, मतलब बहुत. आई थिंक अभी तक हमने जितने कॉन्टेंट भी किया होगा वो सबसे ज्यादा टची था, बिकॉज वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, काइंड मतलब जो एक्चुअली हुआ है. तो आप उसको हार्ट ब्रेकिंग टाइप का था, बहुत दिल दुखने जैसा था. बहुत, और वो लाइंस इतनी डीप थी, इतनी डीप थी. मतलब अभी भी अगर वो कोई गाना सुनेगा श्योरली वो रो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो इतना इमोशनल गाना था. सो अगेन वी आर बैक. हमें उस वीडियो पे काफी सारे लोगों ने कमेंट्स करके कहा कि हमें इस ये वाला सॉन्ग भी चेकआउट करना चाहिए. इसका नाम है बड़ा दुश्मन बना फिरता है एंड इट इज बाय ISPR. वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि वो भी गाना बहुत अच्छा था, बहुत डीप था और एक मैसेज के साथ था. तो आई एम श्योर ये वाले गाने के अंदर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा. सो वी कांट वेट एंड लेट्स स्टार्ट. कांट वेट लिटरली, लेट्स स्टार्ट. Welcome back to school.
जो हमने लास्ट वीडियो देखा था वो भी वो बहुत ज्यादा सैड था. मतलब यू नो वी डोंट नो इस पे आपको क्या बोलना चाहिए बिकॉज दिस इज सो अनफॉर्चुनेट. जैसे हमने लास्ट वीडियोस में कहा इट इज सो बैड टू सी. मतलब कोई कैसे कर सकता है इतने क्रूएल इतने गंदे बच्चों को यार बच्चों सच में. माय गॉड अजान अली ग्रेट जॉब अमेजिंग सॉन्ग. ये भी अजान अली काफी काफी सैड सॉन्ग था एंड काफी स्ट्रॉन्ग था. मतलब जैसे कि लास्ट वाला हमने जो वीडियो देखा था वो इससे ज्यादा बड़ा था. उसके अंदर बहुत सारी बातें कही गई थी. थैंकफुली इसमें उतनी बातें नहीं है लेकिन इसके अंदर भी एक मैसेज ही है कि यू नो बड़ा तुम खुद को दुश्मन बोलते हो लेकिन तुम बच्चों पे अटैक करते हो. तुम बच्चों से डरते हो इसलिए तुमने बच्चों पे अटैक किया. सबसे ज्यादा टची लाइन तो वो दो थी. पहली कि माँ सर पे छूती है एंड दूसरा कि मुझे तो अभी जाना पड़ रहा है आगे की मतलब जो पढ़ाई है वो मेरा भाई करेगा. भाई का पापा हाँ, का और भाई दुश्मन भाई बदला लेगा ऐसा कुछ तो था. बहुत ही प्यारा था यार. बहुत टच कर गया वो जो दो वर्स थी. स्पेशली मॉम वाली लाइन बहुत सैड थी. मतलब वो देखना मतलब उन पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी. वी ऑल हैव नो आइडिया वो कैसे मतलब उन्होंने खुद को इस चीज से बाहर कैसे निकाला होगा कि आप अपने बच्चों को घर से भेजते हो स्कूल कि वो एजुकेशन ले एंड दिस इज व्हाट आपको सुनने में आए. मतलब यहाँ पे भी जब हमने सुना था हम जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा हम काफ़ी छोटे थे लेकिन हम उस टाइम भी ऐसे हो गए थे कि शिट ये कैसे हो सकता है. क्योंकि कभी बहुत आई थिंक बहुत रेयर चांसेस पे कभी बच्चों पे अटैक किया गया होगा. नॉर्मली बच्चों को कभी टारगेट नहीं बनाया जाता. और टेररिज्म आई थिंक इट्स हाई टाइम इट नीड्स टू बी स्टॉप. लिटरली कितने मासूम लोगों की जान जाती है कितने लोग सफर करते हैं. मतलब क्यों जैसे मैंने स्पीचलेस लाइक बच्चों पर लिटरली बच्चों पर अटैक एंड सच में फट्टू कितने कि तुम बच्चों से डर बच्चों से मतलब तुम्हें पता है वो बच्चे कुछ कर दिखाएंगे इसलिए तुम वो बच्चों से डर रहे हो सच में. एंड लास्ट वाला वीडियो भी मतलब लास्ट वाला अगर ट्रस्ट मी मुझे इतना ज्यादा पसंद आया. उसके अंदर जैसे वो लाइन थी कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है. मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज कैसे सोच सकते हैं. वाज सो अमेजिंग इतना स्ट्रॉन्ग थॉट. आई डोंट नो व्हाट टू से दिस सॉन्ग इज ब्यूटीफुल. मतलब no one can understand the pain the country has gone through the school has gone through parents, and the parents has gone family through. Exactly my god it's matlab agar I don't know if matlab whom are we doing this for hamare sabke I don't know what to say. Terrorism is baseless. Terrorism ka koi sense nahi hai kuch nahi hai bas logo ko itna harm logo ke लाइव्स कितने अफेक्ट होते हैं इतने लाइव्स और ये उनके पीछे उनकी फैमिली सफर कर रही है सब सफर कर रहे हैं. यहाँ पे भी जैसे इफ आई टॉक अबाउट मुंबई अटैक आई स्टिल रिमेम्बर जो ट्रेन में अटैक हुआ था. मतलब खलबली मच गई थी बॉम्बे में इतनी ज्यादा. मतलब इतने डर चुके थे इतने ज्यादा डर चुके थे. और मेरे पापा काम पे गए थे अगर मैं मेरी बात करूँ तो. एंड हमने कॉल किया भी लाइक कहाँ हो आप. तो पापा ने कहा नहीं मैं सेफ हूँ. तो हमने कहा वापस रिटर्न मत आना वहीं पे कहीं पे रुक जाना ट्रैवल मत करना बस. क्योंकि आज भी मुझे याद है आपका क्या बोलते हैं रूह काँप जाते हैं. मतलब इतनी इतनी फट जाती है कि कुछ हो ना जाए इतना डर. हर जगह चिल्लम चिल्ली रोना धोना न्यूज देखो तो क्या मतलब इतने लोग होते हैं क्योंकि इतनी फैमिलीज इतना सब कुछ एक यार से ये इतने मिलता क्या है इनको करके. एग्जैक्टली मतलब टेररिज्म से किसी का भला नहीं होगा किसी का भी नहीं. आप किसी की जान ले लोगे किसी मासूम को मार दोगे उससे क्या हो जाएगा. सच में बच्चों पे अटैक करना आने तो सबसे बड़े फट्टू हैं सबसे बड़े सबसे ज्यादा बड़े फट्टू. मतलब क्या सोच के अटैक किया होगा कि मैं आर्मी स्कूल में जाके बच्चों को ये करूँगा. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड यार. एंड मैंने जब लास्ट वीडियो देखा था उसके बाद मैं इतना ज़्यादा इन डेप्थ चली गई थी. मैंने थोड़े बहुत उसके बाद भी देखे ज़्यादा पढ़ने के लिए. उनका वेलकम बैक टू स्कूल जो था हाँ. वो हेवन सीन्स थे. ओ मैंने इतना वो हेवन सीन्स होंगे
क्या वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं? आई गेस। ओह वाओ, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा। व्हाट अ डीप थॉट। अगर ऐसा नहीं था तो भी अगर उसको ये नजरिया दे तो कितना ब्यूटीफुल थॉट है। वाओ, मुझे और अच्छा लग रहा। मतलब जिन आप जो भी जिसको भी मानते हो, किसी के ऊपर, किसी मासूम के ऊपर आप ये करोगे तो कोई आपको माफ नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। ये वो इंसान क्या वो है ही नहीं, कोई ह्यूमैनिटी नाम की चीज ने उसके अंदर बची हुई, बच्चों पे ऐसा करते हुए जो लास्ट वीडियो। आई नो, ओह माय गॉड, वो तो यार बहुत ज्यादा हद पार था यार। बहुत ये लिरिकली बहुत स्ट्रांग था, लेकिन उसके अंदर जो सीन्स भी दिखाए गए थे ना, वो बुक दिखाई थी जिसके अंदर खून था, मतलब बाप रे। वो बच्चों के सबके फोटोज एंड उनके नीचे उनका बैग्स। हाँ, सो अभी हम सब इतना विश कर सकते हैं कि कभी आगे जाके कहीं पर भी अटैक ना हो, कहीं पर भी किसी मासूम की जान नहीं जाए। और जैसे हम लास्ट वीडियोस में ये सब बातें की है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा एक दूसरे से हेट करके। मतलब आप हेट करोगे किसी को, आपके दिमाग में और दिल में हमेशा एक बर्डन रहेगा कि अरे वो मुझे नहीं पसंद है। इससे अच्छा हम सबको प्यार से रहना चाहिए। मतलब हम किस लिए ये सब झगड़े कर रहे हैं, किस चीज के लिए? झगड़ लेंगे, हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलना है, कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा। सो इट्स हाई टाइम आई थिंक हमें पीस को प्रमोट करना चाहिए ऑन दिस वीडियो स्पेशली। इतना प्यारा मैसेज है। सो लेट्स ट्राई, हम पीस फैलाएं तो हमारी कंट्रीज होंगी जो भी होंगे वो भी ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, ज्यादा क्लैशेस ना हो और ऐसे जो हेट्रेड है वो फैले नहीं। फैले नहीं, ये अगर बस हुआ लिटरली बहुत टाइम से चल रहे हैं लोगों के बीच, कंट्रीज के बीच, हर जगह है। मतलब हेट ऐसी चीज है ना जो बहुत इजीली लोग कर रहे हैं और विदाउट रीजन एक दूसरे को हेट कर रहे हैं। मतलब देयर इज नो रीजन टू इट। तो अगर हम ही एक दूसरे को हेट करना छोड़ दें, ये सब खत्म करें, तो पॉलिटिक्स में भी कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब क्या करोगे जब पॉलिटिक्स में मसाला क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीजें हैं तो उनको पता है, अगर वो चीजें दिखाएंगे तो टीआरपी आएगी। अगर हम एक दूसरे को हेट नहीं करेंगे तो क्या मतलब बचा क्या है? कुछ पास कुछ मुद्दे ही नहीं रहेंगे बात करने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो पॉलिटिकल एजेंडास भी नहीं बनेंगे कहीं पे भी। सो लेट्स ट्राई एंड हम पीस फैला। लेट्स नाइस, इट्स वेरी नाइस, जो ऑडियंस हमें देख रहे हो फॉर श्योर विद एनी हार्श फीलिंग, विदाउट एनी कुछ भी, बस देख रहे हैं क्योंकि ये है, ऐसा है एंड इट्स वेरी नाइस। वो देख रहे हैं इसलिए, मतलब वो चाहते हैं पीस को बढ़ावा मिले एंड वो चाहते हैं कि प्यार बढ़े, इसलिए वो हमें देख रहे हैं। लाइक सब एक दूसरे का जैसे कंटेंट एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के लोगों से इतना बॉन्ड फील करते हैं, इतना सब कुछ एंड येट जस्ट कंट्रीज के कंट्रीज नेम से इतना एक दूसरे से है, वो जस्ट यूं ही है। बहुत ही अब बेस क्या खत्म हो गया है, सेंसलेस है सब, इट्स लॉन्ग गॉन। या सो Guys, on a peaceful note, take care, stay safe, and प्यार करो. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.